नमस्ते फ्रेंड्स, आप लोगों का क्रोशेट सोता चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं एक फिश डिज़ाइन लेकर के आई हूँ। मुझे फ्रेंड्स आप लोगों को पसंद आएगा। इसे हम तोरण पट्टी के लिए बना रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए। चलिए फ्रेंड्स, तो इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके लिए नॉट लगा करके इस तरह से चेन बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5 चेन लेंगे। 5 चेन लेने के बाद फिर इसको 1, 2, 3 या 4th वाला चेन में डाल करके डबल क्रोशिया बना देंगे। नेक्स्ट चेन में डाल करके डबल क्रोशिया बना देंगे। एक और डबल क्रोशिया इसी में डाल करके बना देंगे। तो टोटल 4 डबल क्रोशिया हो गया। 3 चेन लेंगे और इसको इस तरह से पलट देंगे और पहला वाला चेन में इस गैप में डाल करके डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर नेक्स्ट चेन में भी एक डबल क्रोशिया बना देंगे नेक्स्ट गैप में। फिर ये लास्ट वाला जो गैप है फ्रेंड्स, इसमें दो डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर यहाँ पर 3 चेन लेंगे, पहला गैप में एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में भी एक डबल क्रोशिया, इसके नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, लास्ट में 2 डबल क्रोशिया। फिर यहाँ पर 3 चेन लेंगे, पलट देंगे और यहाँ पर भी पहला वाला में डबल क्रोशिया बना देंगे। तो यहाँ भी 2 डबल क्रोशिया हो जाएगा, एक चेन वाला और एक डबल क्रोशिया, और नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में एक, लास्ट में 2 डबल क्रोशिया। फिर यहाँ पर 3 चेन लेंगे, पहला और लास्ट दोनों में 2 डबल क्रोशिया होना चाहिए। पहला में, नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में एक और नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से यहाँ तक कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। और यहाँ पर हम दूसरा कलर लगाएंगे। इसके लिए हम तो पहला वाला जो चेन है फ्रेंड्स, इससे डाल करके पहले इसको लॉक कर देंगे और इसी में एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। नहीं सॉरी फ्रेंड्स, 1, 2, 3 चेन लेंगे और इसी में एक डबल क्रोशिया बना देंगे। इसके बीच में फ्रेंड्स एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में भी 2 डबल क्रोशिया बीच में डालते हुए, इस धागा को भी काटेंगे नहीं यहाँ पर। फिर इसके बीच में भी 2 डबल क्रोशिया,
इसके बीच में भी टू डबल क्रोशिया, इसके बीच में भी टू डबल क्रोशिया, लास्ट में भी टू डबल क्रोशिया। इसी तरह से यह रो कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। और इसको वन चेन लेकर के इसको कट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यह व्हाइट कलर से को पहला वाला चेन में डालते हुए इसको खींच लेंगे। और पहला वाला चेन में डालते हुए इसको सिंगल क्रोशिया बना दे। इसके बाद हर चेन में फ्रेंड्स इसको सिंगल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट चेन में भी डालते हुए नेक्स्ट चेन में डालते हुए इसी तरह से फ्रेंड्स इसे लास्ट तक हर चेन में सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इसको कंप्लीट करेंगे। फिर इसको वन चेन लेते हुए इसको व्हाइट कलर को काट देंगे और यहाँ पर दूसरा कलर लगाएंगे। इसी तरह से फ्रेंड्स यहाँ पर पहला वाला चेन में इस तरह से डालेंगे। इसको लॉक कर देंगे। यहाँ पर 1, 2, 3 चेन लेंगे और एक चेन को छोड़ते हुए सेकेंड वाला चेन में डाल करके स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर 3 चेन लेंगे, 2, 3, एक चेन छोड़ेंगे सेकेंड वाला में डाल करके स्लिप स्टिच कर देंगे। 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 इसी तरह से फ्रेंड्स। फिर यहाँ वन चेन लेंगे और इसके बीच में डाल करके स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर यहाँ पर 1, 2, 3 चेन लेंगे और इसमें डाल करके स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर यहाँ पर 2, 3 चेन, इसी तरह से यहाँ तक करके दिखाते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जॉइंट कर दिए। वहाँ पर 1 चेन लेंगे और फिर इसको पलट देंगे, इसमें डाल करके स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर 3 चेन लेंगे और इसमें 2, 3 चेन लेंगे। फिर नेक्स्ट में भी इसी तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। 2, 3 चेन नेक्स्ट में डाल करके स्लिप स्टिच, 3 इस तरह से। फिर इसमें पहला वाला में डाल करके इसी तरह से फ्रेंड्स ये रो कंप्लीट करेंगे। करके दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स 1 चेन लेकर के इस तरह से अब यहाँ के इसमें पहला वाला में स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर 1, 2, 3 चेन लेंगे और इसमें स्लिप स्टिच कर देंगे। इस तरह से यह अब एक बन गया जाली। फिर इस तरह से पलटेंगे और इसमें
स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर यहाँ पर 1, 2, 3 चेन लेंगे और इसमें डबल क्रोशिया लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे फ्रेंड्स, और एक चेन को लेते हुए 9 डबल क्रोशिया हो गया। फिर 1 चेन लेंगे और इस तरह से पलट देंगे, फिर यह पहला वाला चेन में डाल करके इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में भी सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में भी ऐसे सारे में चेन में डालते हैं सिंगल क्रोशिया बना के कंप्लीट करेंगे। आगे के ये चेन में बना के कंप्लीट करेंगे। फिर यहाँ पर 1, 2, 3, 4 चेन लेंगे और ये नेक्स्ट चेन में डालते हुए डबल क्रोशिया बना देंगे। एक चेन लेंगे यहाँ पर और इसमें इस तरह से डालते हुए 1, 2, 3 3, 4, 5 लूप इस तरह से निकालेंगे, इस तरह से लॉक कर देंगे। फिर नेक्स्ट चेन में डाल के डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर 1 चेन लेंगे और इसमें भी इसी तरह से 1, 2, 3, 4 या 5 लूप निकालते हुए नेक्स्ट चेन में डाल करके डबल क्रोशिया बना, इसी तरह से यहाँ तक बना के दिखाते हैं फ्रेंड्स। इस तरह से यह बन गया फ्रेंड्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और लास्ट में इसको इसमें डबल क्रोशिया बना देंगे। 1 चेन लेते हुए इसको कट कर देंगे, यहाँ से अब दूसरा कलर लगाएंगे। यहाँ से फ्रेंड्स अब दूसरा कलर लगाएंगे, 1, 2 यह थर्ड वाला जाली में डालते हुए इसी तरह से इसको हम जोड़ देंगे। 1 चेन लेकर के अब इसी में सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर नेक्स्ट में टू सिंगल क्रोशिया यहाँ पर जो एक एक सिंगल क्रोशिया बनाए थे फ्रेंड्स, इसमें 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ओके, जो डबल क्रोशिया है में 2 सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ नेक्स्ट में भी 2 सिंगल क्रोशिया, इसी तरह से यहाँ तक सिंगल क्रोशिया बनाते हैं कंप्लीट करके दिखाते हैं। दो दो डबल सिंगल क्रोशिया यहाँ तक बनेगा, यहाँ तक 2 सिंगल क्रोशिया हो गया फ्रेंड्स। यहाँ पर फिर 1, 2, 3 चेन लेंगे और पहला वाला चेन से स्लिप स्टिच कर देंगे, फिर नेक्स्ट चेन में भी स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर यहाँ पर 3 चेन लेंगे, 1, 2, 3 चेन लेंगे, पहला चेन से स्लिप स्टिच, दूसरा चेन से भी स्लिप स्टिच। इसके बाद यहाँ पर डालते हुए
सिंगल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। यह फिश का मुंह बन के तैयार हो गया फ्रेंड्स। फिर नेक्स्ट में डाल करके दो सिंगल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक कंप्लीट करेंगे, करके दिखा रहे हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स यहाँ तक टू सिंगल क्रोशिया बनाते हुए आ गए। अब इसमें जो यहाँ फोर चेन लिए थे इसमें थ्री सिंगल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर। फिर यहाँ पर 1 2 3 4 चेन लेंगे और इसी में डबल क्रोशिया बना देंगे। 1 2 3 4 चेन लेंगे और ये दोनों को इस तरह से करते हुए फ्रेंड्स निकालते हुए इस तरह से बना देंगे। इसके बाद 1 चेन लेंगे और इसी में इस तरह से डालते हुए निकालेंगे। 1 2 3 4 5 और ये नेक्स्ट गैप में डालते हुए डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर वहाँ पर 1 2 3 4 चेन लेंगे और एक यहाँ पर पिकट बना देंगे। 1 चेन लेते हुए फिर इसी में 5 टाइम निकालेंगे। 2 3 4 5 और नेक्स्ट में डाल के डबल क्रोशिया बना दें। इसी तरह से फ्रेंड्स यहाँ पर आएंगे इसमें तो दो इस तरह से पफ बनाएंगे, करके दिखाते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स यहाँ तक यह कंप्लीट कर लिए और बीच में है फ्रेंड्स यह दो ठो इस तरह से एक ही में दो ठो बना है। फिर यहाँ पर 1 2 3 चेन लेंगे और इसी में डालते हुए सिंगल क्रोशिया तीन बनाएंगे, 3 सिंगल क्रोशिया। फिर यहाँ पर 2 सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ पर भी 2 सिंगल क्रोशिया, इसमें भी 2 सिंगल क्रोशिया। इस तरह से सारे में हो गया फ्रेंड्स। और यहाँ पर पहला वाला चेन से इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। यहाँ पर 1 2 3 चेन लेंगे और नेक्स्ट चेन में डालते हुए डबल क्रोशिया बना देंगे। 1 चेन लेते हुए थ्री फोर फाइव टेन। फिर यहाँ पर 1 चेन छोड़ते हुए सिंगल सेकेंड वाला में डबल क्रोशिया बना देंगे। 1 चेन लेते हुए इसी में से और 5 बनाएंगे। फिर 1 चेन को छोड़ते हुए सेकेंड वाला चेन में डाल करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से बना के दिखाते हैं फ्रेंड्स। इसी तरह से 1 2 3 4 5 पफ बन गए फ्रेंड्स। यहाँ पर 1 2 3 चेन लेकर के और जिसमें से पफ बनाए थे डबल क्रोशिया बनाए थे उसी में स्लिप स्टिच कर देंगे। 1 चेन लेते हुए इसको कट कर देंगे फ्रेंड्स इस तरह से। और एक यहाँ पर यह मोती लगा करके आई बना देंगे इस तरह से फ्रेंड्स। अगर यह डिज़ाइन पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा यह फिश डिज़ाइन आपको कैसा लगा। थैंक यू।